की खास खबर, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार। अपराध शाखा ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 20 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किए हैं। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को 26 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम ताहिर हुसैन और साइना खान है। आरोपी अब तक करीब 600 लोगों को फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर दे चुके हैं। मामले में पुलिस को कुछ और आरोपियों की तलाश है। 10,000 में बनाते थे लाइसेंस। आरोपी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 10,000 रुपए लेते थे। इंस्पेक्टर देसाई ने बताया कि आरोपियों के पास वे लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते थे जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं होते थे। इसके लिए मोटी रकम वे वसूलते थे। ग्राहकों को आरोपी बताते थे कि ड्राइविंग लाइसेंस असली है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।